आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। जैसा कि देख रहे हैं कि पैंडेमिक, आज कोविड का पैंडेमिक काफ़ी पूरे संसार में फैला हुआ है और इससे हमारा झारखंड, हमारा रांची और बुल्लू क्षेत्र भी अछूता नहीं है। रोज़ लगभग 100-150 के करीब यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। उस टेस्टिंग में कल भी 30 लोगों का यहाँ कोरोना पॉजिटिव निकला है, परसों भी निकला 30 के करीब में, कभी 36 लोगों का। तो और जब कम लोग अभी जांच करा रहे हैं तो इतनी बड़ी संख्या में रिजल्ट सामने आ रहा है, और संख्या अगर ज़्यादा लोग टेस्टिंग कराएंगे, जैसे कि गवर्नमेंट ने अपील किया है, सरकार ने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्टिंग कराएँ। जिन लोगों को टेस्ट में निकलता है वो होम क्वारंटीन हो जाए, अगर जिनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो सरकार ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जो हॉस्पिटल है वहाँ एडमिट हो जाए, और इसमें सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस का पालन करना ज़रूरी है। बिकॉज कि ये अभी देख रहे हैं 2.0 करके, अगर इसे हम बोलें कि ये कोरोना का ये सेकंड फेज जो आया है, ये काफ़ी डेंजर है, और लोगों में काफ़ी देख रहे हैं कि मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी बढ़ गया है, लोग काफ़ी दहशत में हैं। उसी को लेके बुंडू प्रशासन की ओर से सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन कल से जनता से जो अपील की गई है कि वो सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों में रहें, और जो भी आवश्यक जो दुकानें हैं, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सिर्फ वही खुली रहेंगी। आज रामनवमी का भी पर्व है, उसके लिए पूरे झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई इसके लिए, और हम उनसे निवेदन करते हैं और आशा करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, अपने घरों पर रहें, अपने घरों के बच्चों का, बूढ़ों का ख्याल रखें। और इस फेज में अभी देख रहे हैं कि जो यूथ है, पहले था फर्स्ट पेज में कि युवाओं को यह अटैक नहीं कर रहा था, लेकिन सेकंड पेज में देख रहे हैं कि यूथ भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सतर्क रहें। न्यूज़ हमेशा जो आप सामने आ रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई है, अस्पतालों में बेड नहीं है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आ रहे हैं जो कहीं सही भी है, कहीं गलत भी है, लेकिन हमें ज़रूरत है कि एहतियात बरतने की। अपने घर आज शादी को लेकर जो निरीक्षण किया गया, ये अभी लगन का भी समय है, कई घरों में शादियां भी हैं, लोगों ने पहले से इसका डेट फिक्स कर रखा है, और अचानक से कोविड ये फिर इस रूप में आया है, तो लोग असमंजस में हैं कि शादी समारोह को कैसे संपन्न करें। इसी में जो सरकार के गाइडलाइंस है कि शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति नहीं रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का पालन करेंगे, उसी के तहत आज हम बुंडू इंस्पेक्टर साहब के साथ हम पूरे क्षेत्र में मार्च कर रहे हैं। कुछ ऐसे शादी समारोह जो स्थल हैं उनके जो अभिभावक हैं उनसे भी बात करके उन लोगों को समझा रहे हैं कि अगर शादियाँ करते हैं तो घर के ही कोशिश करें कि घर के ही फैमिली मेम्बर्स उसमें सम्मिलित हों, ज़्यादा लोगों को ना बुलाएं, और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग और इसका पालन है उसको अच्छे से करें। किसी भी दूसरे जिला में यदि शादी करने के लिए जा रहा है तो उसके लिए क्या विशेष परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी? जैसे कि आप दूसरे ज़िले में जा रहे हैं तो हमारा यही सुझाव होगा कि लोग सिर्फ फैमिली मेम्बर जाएँ और कम से कम जाएँ। उद्देश्य हमारा शादी सम्पन्न कराना है, और शादी जब हम नए बंधन में बंधने जा रहे हैं तो हम कोशिश करें कि हम बिना संक्रमित हुए और अपने आसपास के लोगों को, अपने गेस्टों को भी संक्रमित न होने दें। तो इसके लिए आवश्यक है कम से कम लोग और सादे तरीके से सादगी में अपनी शादी को संपन्न करें। इसमें अगर दूसरे जिला में जाते हैं तो सरकार के द्वारा पहले से भी बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई है, उसी गाइडलाइंस की तहत कार्य को करना चाहिए।